हर साल लगभग लाखों लोग यूपीएससी के लिए फॉर्म भरते हैं और उनमें से कुछ 10 या 20 हजार यूपीएससी देते हैं और उनमें से कुछ 1000 या 5000 मेंस देते हैं और उनमें से कुछ 100 लोग इंटरव्यूज देखकर आईएएस आईपीएस आईआरएस जैसे ऑफिसर बनते हैं। प्रोबेबली ये दुनिया की सबसे मुश्किल एग्जाम है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग पास कर पाते हैं। आज तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के ऊपर कई सारी बेहतरीन मूवीज और सीरीज और शोज बन चुकी है, पर देखा जाए तो यूपीएससी के ऊपर अब तक कोई मूवी सीरीज या शोज नहीं बनी थी सिवाय इसको छोड़ के। और कसम से कमाल की सीरीज है एस्पायरेंट्स। टीवीएफ की है तो ह्यूमर और मोटिवेशन और दिल छू जाने वाली कहानी तो होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में ये सीरीज स्टैंड आउट करती है। सीरीज की स्टोरी है तीन दोस्तों की जिनमें से अभिलाष द मेन प्रोटागोनिस्ट। अभिलाष ने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी करके 3 अटेम्प्ट दे दिया होता है और तब वो सिर्फ मेंस तक ही पहुंचा होता है, इसलिए आखिरी बार आर पार की लड़ाई करने के लिए वो यूपीएससी के मक्का ओल्ड राजेंद्र नगर आता है जहाँ उसके दो दोस्त गुरी और एसके ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। सीरीज की कहानी पास्ट और प्रेजेंट में घूमती रहती है जहाँ प्रेजेंट में एसके एक फेमस कोचिंग टीचर, गुरी एक बिजनेसमैन और अभिलाष एक फेमस आईएएस ऑफिसर बन चुका है, पर तीनों पास्ट में हुए एक इंसिडेंट की वजह से प्रेजेंट टाइम में अलग होते हैं। देखो पास्ट टू प्रेजेंट वाली मूवी या सीरीज कई सारी बनती है पर कुछ ही इस मामले में स्टैंड आउट करती है। ऐसे स्टाइल के फायदे और ड्रॉबैक दोनों होते हैं। ऐसे मूवी और सीरीज के स्टोरी में एक राज को छुपाकर धीरे धीरे स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है। जरा सी भी लापरवाही उस राज को वक्त से पहले ही बाहर निकाल सकती है, मतलब पूरी के पूरे सीरीज या मूवी का सत्यानाश। और इस मामले में ये सीरीज बेहतरीन है। सीरीज का छुपा हुआ राज है कि क्यों ये तीनों जिगरी दोस्त पास में जुदा हो गए हैं और ये सीरीज इस राज को छुपाए रखकर धीरे धीरे हमें उस मिस्ट्री की तरफ ले जाती है जिस वजह से ये सीरीज हमें अपने साथ बांधे रखती है। सीरीज देखते टाइम आप एक बार के लिए भी भटकोगे नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब देखो सिर्फ यही वजह नहीं है कि ये सीरीज इतनी ज्यादा एंगेजिंग लगती है, और भी कई सारे रीजंस है जिन पर मैं धीरे धीरे आता हूँ। तो पहली वजह है सीरीज की रियलिस्टिक अप्रोच होना। यूपीएससी बहुत ही मुश्किल एग्जाम है, यू ही नहीं ये एग्जाम दुनिया की सबसे मुश्किल एग्जाम है। लाखों लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं सिर्फ आईएएस आईपीएस या आईआरएस या दूसरा कोई ऑफिसर बनने के लिए, और यही चीज ये सीरीज अपने एकदम शुरुआत में दिखाती है जहाँ अभिलाष तो फेमस आईएएस ऑफिसर बन गया है, उसके चर्चे हर जगह होते हैं, उसके इंटरव्यूज निकलती रहती है, पर एसके और गुरी नहीं बन पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आईएएस बनने के लिए अभिलाष ने अपनी दोस्ती और प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, पर ये दोनों ये नहीं कर पाए। अभिलाष को सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था, पर बदले में उसने अपनी दो सबसे कीमती चीजें गवा दी, दोस्ती और प्यार। और यही तो दुनिया की सच्चाई है, आपके जितने बड़े गोल होते हैं आपको उतने बड़े सेक्रीफाइस देने होंगे। और ये सीरीज इतने तक की रियलिस्टिक अप्रोच को दिखाती तो बात कुछ अलग होती, मगर ये सीरीज इसके बाद भी रियलिस्टिक अप्रोच को बरकरार रखती है। मकान मालिक के टीवी के लाउड वॉल्यूम से लेकर रिजल्ट आउट होने तक, नए कोचिंग में एडमिशन लेना, इसके बाद ये सोचना कि कहीं मैंने गलत कोचिंग तो नहीं ज्वाइन कर लिया, ऑप्शनल कौन सा लूं, अपने सोच और अपने आंसर राइटिंग में पॉजिटिव थिंकिंग लाना, ये सीरीज हमें हर एक चीज दिखाती है जो एक यूपीएससी एस्पायरेंट फेस करता है। वो हर प्रेशर फील कराती है जो एक एस्पायरेंट हर दिन फील करता है, फिर चाहे वो आखिरी अटेम्प्ट का प्रेशर हो या घर वालों का प्रेशर। पर इन सब के बावजूद भी रुकना नहीं है, हारना नहीं है, बस अपने खामियों को दूर करके आगे बढ़ना है। और ये सब चीजें हमें इतनी ज्यादा हिट नहीं होती अगर सीरीज का बीजीएम, डायलॉग्स और कास्ट जैसी है वैसी नहीं होती तो। सीरीज के हर एक एक्टर ने बहुत ही ज्यादा कमाल का काम किया है। इवन सीरीज में कई सारे सीन्स है जहाँ पर कोई डायलॉग तक नहीं है, फिर भी इन लोगों ने ऐसी एक्टिंग की है कि सीधा दिल पर लगता है। जैसे एपिसोड 3 के लास्ट में गुरी अभिलाष की तरफ जिस तरह से देखता है, इस छोटे से सीन में गुरी कुछ भी नहीं बोलता पर उसकी आंखें जो बोलती है वो दिल को छू जाती है। और इस सीन के बारे में तो क्या ही बोलूं, इस सीन को मैं कभी भूलने नहीं पाया। देखो मेन लीड को फोकस में रखना एक बात है और हर एक कैरेक्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फोकस देना वो अलग बात है, और ये सीरीज एक काम बहुत ही अच्छी तरह से करती है जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है संदीप भैया। देखा जाए तो हम उन्हें पूरे सीरीज में सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए देखते हैं, वो भी 5 एपिसोड्स को मिलाकर, पर जब भी उनका अपीयरेंस सीरीज में होता है तब या तो हमें हंसाते हैं या रुलाते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही होती है कि जीत की असली कीमत सिर्फ हारने वाले को ही पता होती है, और इसीलिए हम संदीप भैया के साथ बाकियों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उनके स्ट्रगल को महसूस कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकियों का काम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इवन आई एम क्वाइट सरप्राइज ऑफ शिवांकित परफॉर्मेंस। हमने उन्हें हर बार लाइट हार्टेड जेनेरिक कैरेक्टर में देखा है,
पर इस बार उन्होंने टोटली अलग काम किया है। ऐसे उनका कैरेक्टर गूरी सेंसिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, जो उनके बाकी कामों से एकदम अलग है। एंड नबीन ने जो अभिलाष का ट्यून पकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ही इज ऑलवेज सीरियस, ओवर थिंकर एंड पेसिमिस्ट। और गूरी और अभिलाष को एक साथ जुड़े रखता है एसके। वो ना ही इन दोनों की तरह सीरियस है और ना ही वो अच्छे बुरे के बारे में ज्यादा सोचता है, वो तो बस अपने में ही रहता है। और सीरीज के डायलॉग्स और बीजीएम सीरीज को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, इसलिए सीरीज के ज्यादातर सीन्स को देखकर गूज़बम्प आ रहे थे मुझे। स्पेशली एपिसोड 4 के आखिर के कुछ सीन में बैकग्राउंड में एक पोएट्री चलती है, मैंने सिर्फ इस सीन को कई बार रिवाइंड करके देखा है। बेचैन रातें, भारी भारी थी जगी आंखें, हर एक में पागलपन है, ये नन्हे सपने बोझ से लदे दिमागों में पनपने की हिम्मत कर ही लेते। सोचो पूरी की पूरी सीरीज ऐसी सीन से भरी पड़ी हुई है। अब देखो, मुझे इस सीरीज की एक बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी है और वो चीज है ब्रांड प्रमोशन। अन अकादमी का ब्रांड प्रमोशन इस सीरीज में अचानक से आ जाता है, जिस वजह से सीरीज कई बार अपनी इंटेंसिटी को खो देती है। बट ओवरऑल ये सीरीज एक मास्टरपीस है। ये सीरीज हमें जीतना सिखाती है, जीतने के लिए मोटिवेट करती है, पर साथ ही में हमें हार की अहमियत भी सिखाती है। ये सीरीज हमें सिखाती है कि जीतना जरूरी तो है, पर क्या फायदा उस जीत का जिस जीत के बाद हमारे अपने हमारे पास ना हो। तो उम्मीद है मैं इस सीरीज को ठीक ठाक से रिव्यू कर पाया होऊंगा, क्योंकि इस रिव्यू को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई है। बहुत से थॉट्स और फीलिंग्स आ रही थी मेरे दिमाग में इस वीडियो को बनाने के लिए, बट फाइनली मैंने इस वीडियो को बना ही लिया। तो खैर, आज का वीडियो बस इतना तक ही रहते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।